पे है अहमद जकरिया नगर के सामने। पीछे ये शौचालय आप देख सकते हैं, शौचालय जाकिर भाई जरा कैमरा आप अपने पीछे घुमाइए, जो शौचालय आप देख रहे हैं ये शौचालय के लिए, इसको निर्माण के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक आयोजन कार्यक्रम रखा गया है। जाकिर भाई हमारे और आसम रिजवी साहब और यहाँ की जो पब्लिक है कार्यकर्ता जो है सारे यहाँ पे मौजूद है, और जो यहाँ की मोहब्बत और जनता का जो प्यार है श्री निशान सिद्दीकी साहब के साथ में लोगों का प्यार उभरता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो जितने भी यहाँ पे लोग जो कार्यकर्ता ये जितने भी यहाँ के सोशल वर्कर जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, हर कोई जो है आपसे मोहब्बत करते हैं, जिसका प्रदर्शन आप लोगों ने देख ही लिया है। तो बैंडा लाइव न्यूज के माध्यम से कुछ सवाल थे जो मैं श्री निशान सिद्दीकी साहब से करना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ के लोगों का बोलना है कि काफी दिनों से जो है इस गटर के मसले के ऊपर और इस शौचालय के मसले के ऊपर जो है लोगों ने बीएमसी के अंदर काफी शिकायत करी, बीएमसी में शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। ये कार्य जो भी हुआ है श्री निशान सिद्दीकी साहब की जानिब से हुआ है, उनके पर्सनल उनके फंड से हुआ है, तो बीएमसी आखिर इस कार्य को करने में असमर्थ क्यों रही, इसके बारे में जानते हैं। देखिए कई दिनों से ये टॉयलेट का मसला चल रहा था, एक फुट ओवर ब्रिज का मसला चल रहा था। हाल ही में कुछ दिन पहले थोड़े युवा मेरे पास आए थे और मैंने इधर का हमने जायज़ा भी लिया और हम आए थे इधर और हमने देखा कि काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है इधर से क्रॉस करने में और फुट ओवर ब्रिज की ज़रूरत है, इसीलिए हमने बीएमसी से बात करके बीएमसी द्वारा फुट ओवर ब्रिज का हमने उद्घाटन किया है। और टॉयलेट की अगर हम बात करें तो काफ़ी दिन तक खस्तर हालत में ये बंद हुआ है और इसीलिए वो हमारे विशेष फंड से हमने आज इसका इनॉग्रेशन किया है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम की शुरुआत हो जाएगा। ये हुआ है एके मार्ग में और बहराम में और मुझे लगता है कि बहराम के जो लोग हैं जो स्थानिक लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा और पूरा श्रेय उनको जाता है कि इन्होंने ऐसी एक मांग की है, हमारे साथ सब स्थानिक लोग हैं और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे काम किए जाएंगे। मैं किसी पे उंगलियां नहीं उठाऊंगा, जैसे आपने कहा कि बीएमसी ने काम किया या नहीं किया, हमारा काम है काम करना और इंशाल्लाह हम काम करते हैं। आगे बढ़ो, आप लोगों ने कार्यकर्ता आसिफ भाई और हमारे शम्स भाई और जो हमारे जाकिर भाई, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, जावेद भाई और बहुत से लोग जो है यहाँ पे मौजूद है, सबका नाम नहीं जानता लेकिन सारे कार्यकर्ता है, कोई ना कोई अपने लेवल पे कुछ ना कुछ काम और कुछ कार्य को हमेशा करते हुए आ रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे साथ में जो है इस वक्त मौजूद है आसिफ भाई, आसिफ सर को हर कोई माशाल्लाह जानता है, आसिफ सर जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीब शख्सियत है जो हमेशा सोशल वर्क के नाम से काम से जो जाने जाते हैं, तो हम उनसे कुछ बात करेंगे। आसिफ भाई बताइए, पिछले 6 महीने से लगातार बीएमसी नगर पालिका को ठीक हमारे पीछे जो बीएमसी की संडास है, ये बहराम नौपाड़ा की सबसे पुरानी संडास है और इस संडास के अंदर रोजाना तकरीबन 8 से 10 हजार लोग इस संडास को इस्तेमाल करते थे। आज से 6 महीना पहले ये संडास की जब बहुत ज्यादा खस्ता हालत हो गई, इसके दरवाजे टूट गए, इसकी कड़ियां टूट गई, यहाँ पानी नहीं आ रहा था संडासों में, यहाँ की माँ बहनों ने बड़े पैमाने पर इसकी शिकायत दर्ज की और जब नगर पालिका को हमने बोला कि भाई इसकी हालत खराब है आप इसको रेनोवेट कर दो, तो नगर पालिका ने आनन फानन में इसको रेनोवेट करने की जगह पर इसको तात्पुरता बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया तो लोगों के अंदर इसका एक आक्रोश तैयार हो गया, लोगों का ये कहना है कि अगर आपने इसे बंद कर दिया तो अब 8 से 10 हजार लोग जो रोजाना इसको इस्तेमाल करते वो कहाँ जाएंगे। जो आपने देखा कि आसिफ सर ने ये जो जिस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में तफसील से सारी चीज़ें उन्होंने बताई और आइए और भी यहाँ पे कार्यकर्ता खड़े हैं। मैं सबसे तो बहुत ज़्यादा देर तक इंटरव्यू नहीं ले सकता हूँ लेकिन मैं चाहूँगा कि हर कोई इस काम के बारे में एक दो लाइन अपने जो है जबान से बताइए। तो शम्स जी आप बताइए, इस बारे में आपने कुछ बताइए। जनता तरस थी, बीएमसी मस्त थी, लोग तकलीफ में थे, तो मोहल्ले के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जीशान सर के पास गए, दरख्वास्त की कि भैया ये टॉयलेट है, ये काफ़ी पुराना टॉयलेट है और इससे 5 से 6 गली इफेक्ट हो रही है, तो तमाम रहवासियों की सुनकर जीशान भाई ने तुरंत के तुरंत आनंद फानंद में इसको हल करने के लिए अपने स्पेशल फंड से ये टॉयलेट बनाने का काम किया है जिससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। जावेद कुरैशी, मैं यहाँ पे काफ़ी दिन से देख रहा था कि ये शौचालय खराब से खराब होता गया, इसमें दरवाजे नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन हमारी माँ बहनें बिल्कुल ऐसा क्या बेशर्मी की हद हो गई थी, लेकिन निशान बाबा सिद्दीकी साहब ने इस पर ध्यान दिया और मुझे तो ऐसा लग रहा था इसको नहीं बनने के लोगों को क्या प्रयत्न हो रहा था कि नहीं बनने देना चाहते थे ताकि कुछ बिल्डर का फायदा हो या कुछ बिल्डर के दलालों का फायदा हो, इसका भी एक मुद्दा था।
लेकिन जीशान बाबा सिद्दीकी साहब ने इसको सबको दरकिनार करते हुए इस काम को करने का बीड़ा उठाया और आज इसको सक्सेस किया। देखिए भाई, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सही लीडर और उसकी लीडरशिप के अंदर मिल के अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें हमको कामयाबी मिलेगी।